हे कृष्णा, आज मैं आपको दो तोर और निमाई वाली कहानी सुनाऊंगा। एक दिन निमाई बाहर खेल रहे थे, तभी दो तोरों ने देखा और निमाई इसने तो इस बच्चे ने तो इतने सारे गहने पहन रखे हैं सोने के, हमें चाहिए है। तो दो तोर एक प्लान बनाते हैं कि जब भी वो कहेंगे उसे आधा मिठाई लेने, मिठाई खाएंगे, उसे ऐसे मिठाई मिलाई करा के ऐसे बहलाएंगे और फिर उसे अपने घर ले जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो दो तोर आते हैं और निमाई को कहते हैं अरे बच्चे, हमारे पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ढेर भर के मिठाई है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, ऐसे बहुत सारी मिठाई है। निमाई तुम्हें चाहिए? निमाई कहते हैं हाँ हाँ। तो वो कहते हैं हमारे घर चलो। तो वो कहते हैं चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो उनके घर चल जाते हैं। फिर निमाई वो अपने घर उनको अपने वो जब चोर उन्हें अपने कंधे पे बिठाते निमाई को, तब वो उसे अपने घर ले जाने लगते हैं। पर जो निमाई थे वो अपनी माया से उनका घर भुला लेते हैं और फिर वो पूरे शहर में चक्कर लगाने लगते हैं। फिर वो उसे उसके निमाई के ही घर छोड़ देता है। तो सोचता अच्छा हमारा घर आ गया। फिर निमाई के वो नीचे उतार देते हैं। तभी निमाई जल्दी भाग के अपने घर घुस जाते हैं और वो दो तोर सोचते हैं अरे हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, जल्दी से भाग जाते हैं। तो वो भागने लगते हैं। तभी वो जब भी निमाई के पिताजी उन्हें देखते हैं तो बोलते हैं अरे, तो वो खुश हो जाते हैं और बोलते कि तुम्हें यहाँ पे कौन लाया था। निमाई कहते हैं और मैं घर का रास्ता भूल गया था, तभी दो लोग आए और मुझे घर छोड़ दिया। हरे कृष्णा।